कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेररिज्म एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम। टेररिज्म क्या होती है? एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। तो आप हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, बीए में हैं, तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है टेररिज्म से रिलेटेड। कोई भी लॉन्ग ऐसे टाइप लिखवा लेता है, कभी शॉर्ट नोट लिखवा लेता है टेररिज्म पर। तो मैंने आपके लिए बहुत ही इजी भाषा में ये बनाया है टेररिज्म पर ऐसे, तो आप पढ़िए, पढ़ेंगे, समझेंगे, देखिए, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले। टेररिज्म कैन बी डिफाइंड एज द अनलॉफुल एक्ट डन बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो टेररिज्म आतंकवाद कैन बी डिफाइंड, परिभाषित किया जा सकता है एज के रूप में, द अनलॉफुल मीन्स कानूनहीन, एक्ट मीन्स कार्य, डन मीन्स किया जाता है बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। आतंकवाद एक अनलॉफुल एक्ट के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, कानूनहीन कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। द पर्पस, यहाँ से, द पर्पस इज टू क्रिएट टेरर एंड फियर अमंग कॉमन पीपल टू अचीव देयर टारगेट्स। तो द पर्पस इज टू क्रिएट, यहाँ से देखेंगे ना, इसका जो उद्देश्य होता है इज टू क्रिएट, क्रिएट का मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना, क्या? टेरर, भय। फिर से देखेंगे यहाँ से। पर्पज मीन्स उद्देश्य, इज टू क्रिएट मीन्स उत्पन्न करना, पैदा करना, टेरर भय, एंड फियर भी भय होता है, एमंग मीन्स में या बीच में, कॉमन पीपल सामान्य लोगों के लिए के बीच में, टू अचीव देयर टारगेट्स अपने टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए। तो जो टेररिज्म होता है उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए कॉमन पीपल्स के बीच में भय को क्रिएट करना होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। सम पीपल एम्स आर पर्सनल सेल्फिश एक्ट, यहाँ से हैं, सम पीपल एम्स आर पर्सनल सेल्फिश एक्ट एंड एंटी सोशल, एंटी रिलीजियस एक्ट एंड एंटी पॉलिटिकल एक्ट। ठीक है, सम पीपल्स एम, कुछ लोगों के उद्देश्य आर्मीश होते हैं पर्सनल सेल्फिश, व्यक्तिगत और स्वार्थपूर्ण एक्ट होते हैं, टेररिज्म जो होता है उसमें। ठीक है, आतंकवाद से जो करते हैं लोग, टेररिस्ट जो होते हैं, तो जो कुछ सम पीपल्स एम्स, कुछ लोगों के जो एम्स होते हैं वो क्या होते हैं? पर्सनल सेल्फिश एक्ट होते हैं, और कुछ के क्या होते हैं? एंटी सोशल एक्ट, समाज विरोधी, एंटी रिलीजियस एक्ट, धर्म विरोधी एंड एंटी पॉलिटिकल एक्ट, और क्या? राजनीति विरोधी एक्ट होता है। आगे चलेंगे, देखो नेक्स्ट। प्रेजेंट पोजीशन ऑफ टेररिज्म, वर्तमान स्थिति ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की, आतंकवाद की प्रेजेंट पोजीशन, एट प्रेजेंट प्रेजेंट वर्तमान में टेररिज्म इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इशू। एट प्रेजेंट वर्तमान में टेररिज्म इज, आतंकवाद इज मीस है मोस्ट कॉम्प्लेक्स, बहुत अधिक जटिल इशू, क्या मुद्दा? वर्तमान समय में आतंकवाद एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जटिल इशू है। पीपल आर ऑल द टाइम्स अफ्राइड ऑफ टेररिज्म एंड टेररिस्ट्स अटैक, टेररिस्ट अटैक। तो यहाँ से देखेंगे, देखो, पीपल आर, लोग ऑल द टाइम, हमेशा, अफ्राइड मीन्स डरे रहते हैं, टेररिज्म मीन्स आतंकवाद से, एंड टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी हमले, आतंकवाद और आतंकवादी हमले से हमेशा भयभीत रहते हैं, ऑल टाइम, हमेशा। ठीक है, क्लियर हुआ? टेररिज्म इज यूज्ड बाय वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिशियंस एंड बिजनेस इंडस्ट्रीज। टेररिज्म
इज़ यूज्ड, आतंकवाद का प्रयोग किया जाता है बाय वेरियस, बहुत सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं आतंकवाद, वहाँ पर टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है। आप देखिए पाकिस्तान में, ठीक है, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है टेररिस्ट बनने की। तो ये क्या है, कुछ अपनी वेरियस मीन्स बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संस्थाएँ हैं के द्वारा प्रयोग, पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ एंड बिजनेस इंडस्ट्रीज, और जो बिजनेस इंडस्ट्रीज होती हैं उनके द्वारा टेररिज्म का प्रयोग किया जाता है। द टेररिस्ट हैव नो रूल एंड लॉ, और टेररिस्ट जो होते हैं उनके लिए क्या नहीं होते, नहीं रखते नो रूल, कोई नियम और कोई भी कानून उनके लिए नहीं होता। वो होते ही हैं एंटी अनलॉफुल एक्ट ही होता है ये। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपके लिए बनाई है पर्पस एंड गोल ऑफ टेररिज्म। पर्पस मीन्स उद्देश्य और गोल मीन्स वही लक्ष्य उद्देश्य ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का लक्ष्य और उद्देश्य क्या होता है इसको पढ़ेंगे। टेररिज्म पर्पस इज टू क्रिएट द टेरर एमंग द सोसाइटी एंड कंट्री। टेररिज्म्स पर्पज, आतंकवाद का जो पर्पज होता है, उद्देश्य होता है, इज़ टू क्रिएट, पैदा करना होता है, टेरर मीस भय, एमंग मीस में या बीच में, द सोसाइटी एंड कंट्री, किसी भी समाज या किसी भी देश के बीच में भय को क्रिएट करना इसका उद्देश्य होता है। देयर पर्पज बिहाइंड यूजिंग वायलेंट मीन्स इज़ टू क्रिएट एंड इन्हेंस द लेवल ऑफ टेरर इन द सोसाइटी एंड कंट्री। देयर पर्पज, उनका उद्देश्य, यहाँ से देखेंगे फिर से, देयर पर्पज उनका उद्देश्य, बिहाइंड मीन्स पीछे, यूजिंग मीन्स प्रयोग करने के, वायलेंट मीन्स आक्रामक हथियार, भयानक हथियारों को, इज टू क्रिएट मीन्स पैदा करना है, इन्हेंस मीन्स बढ़ाना है, द लेवल मीन्स लेवल कहेंगे उसका रेशियो, ऑफ टेरर मीन्स भय का, इन द सोसाइटी एंड कंट्री। द पर्पस बिहाइंड, जो टेररिस्ट होते हैं उनका जो वायलेंट मीन्स, जो घातक हथियार होते हैं, घातक वायलेंट मीन्स होते हैं, उनको प्रयोग करने के पीछे जो उनका उद्देश्य होता है वो क्या होता है, समाज और देश में भय के लेवल को बढ़ाना और क्रिएट करना होता है, ठीक है, इज टू क्रिएट पैदा करना एंड इन्हेंस बढ़ाना द लेवल ऑफ टेरर इन द सोसाइटी एंड कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ हम बिना ड्यू रिकॉर्डर के ही देख लेंगे, थोड़ा दब रहा है यहाँ पर। देयर प्राइमरी टारगेट्स, देखो यहाँ बिना ड्यू रिकॉर्डर के ही देखेंगे, देयर प्राइमरी टारगेट्स आर सिविलियंस, ठीक है, तो उनका जो प्राइमरी टारगेट होता है, यहाँ से देख रहे हैं हम, ठीक है, देयर प्राइमरी टारगेट्स आर सिविलियंस, उनका जो प्राइमरी प्राथमिक टारगेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर सिविलियंस, सिविलियंस होते हैं, आम जन होती है, आम जनता होती है, जहाँ पर आम जनता ज़्यादा होगी वहीं पर ये लोग अपना टारगेट बनाते हैं, वहीं पर बॉम्ब जो भी छोड़ते हैं, अपना आतंकवादी हमला करते हैं, उन्हीं जगह पर करते हैं। तो समझ में आया, देयर प्राइमरी टारगेट्स आर सिविलियंस, दे फोकस द प्लेसेस वेयर द सिविलियंस लिव, दे फोकस, वे फोकस करते हैं द प्लेसेस, उन स्थानों को वेयर, जहाँ द सिविलियंस लिव, जहाँ आम जन या आम जनता रहती है, वहाँ उन स्थानों को ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपके लिए बनाई है थर्ड, टेररिज्म इन अवर कंट्री, हमारे देश में आतंकवाद, ठीक है। इन अवर कंट्री टेररिज्म इज वाइडिंग इट्स एरिया, इन अवर कंट्री, हमारे देश में टेररिज्म, आतंकवाद इज वाइडिंग, वाइडिंग का मतलब है विस्तृत हो रहा है, इट्स मीन्स इसका एरिया मीन्स क्षेत्र, हमारे देश में ये क्या है, आतंकवाद का एरिया है वो विस्तृत हो रहा है,
earlier terrorism was limited to some areas like Jammu Kashmir. Earlier पहले यहाँ से देखेंगे, देखो यहाँ से देख रहे हैं हम, ठीक। earlier पहले terrorism आतंकवाद was limited some areas, कुछ areas में ही limited था, मतलब कुछ areas में ही था, जैसे like means जैसे जम्मू कश्मीर जैसी area में ही आतंकवाद देखने को मिलता था, आतंकवादी हमले सुनने को मिलते थे। लेकिन अब तो बहुत सारे अटैक, पुलवामा अटैक है, बहुत सारे आप सुनते होंगे। बट नाउ, लेकिन अब इट हैज़ स्प्रेड टू ऑल एरियाज़ स्पेशली रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इट हैज़ स्प्रेड, ये फैल चुका है टू ऑल एरियाज़, सभी क्षेत्रों में, सभी एरिया में, स्पेशली विशेष रूप से रीजन्स में, क्षेत्रों में ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के क्षेत्रों में विशेष रूप से ये फैल चुका है, स्प्रेड कर चुका है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। वन अटैक ऑफ टेररिज्म का एक हमला, अटैक, ठीक है, हैज पुश्ड, धकेल देता है द नेशन मीन्स कंट्री को, वो राष्ट्र को, मैनी ईयर्स बैक फ्रॉम द प्रॉपर डेवलपमेंट, ठीक है। तो आतंकवाद का एक हमला पुश्ड मीन्स धकेल देता है नेशन मीन्स राष्ट्र को, मैनी ईयर्स बैक, बहुत साल पीछे, फ्रॉम मीन्स से, प्रॉपर डेवलपमेंट, किसी भी देश का जो प्रॉपर उचित विकास से कई साल, क्या देश कोई भी बैक चला जाता है एक आतंकवादी हमले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्षति होती है, समस्याएं होती हैं, तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है किसी भी राष्ट्र का, वो क्या होता है, रुक जाता है, हम लोग उसी की भरपाई में लग जाते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपके लिए बनाई है 4, माय व्यूज़ अबाउट टेररिज्म, टेररिज्म के बारे में, अबाउट मीस बारे में, टेररिज्म मीस आतंकवाद, माय व्यूज़ मेरे विचार, टेररिज्म के बारे में मेरे विचार। हाँ देखो यहाँ से देखते हैं, ठीक। माई ओपिनियन आर, माई ओपिनियंस ऐसा और लगेगी, ठीक। माई ओपिनियंस आर दैट मोस्ट ऑफ टेररिस्ट्स आर वेरी कॉमन पीपल। माई ओपिनियन, मेरा, मेरे मत हैं, मेरे मतानुसार, या हम कह दो मेरे विचार हैं, आर्मीस हैं दैट के, कि मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट, अधिकांश आतंकवादी आर वेरी कॉमन पीपल, क्या होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, सामान्य लोग, हमारे तुम्हारे जैसे ही लोग होते हैं जो आतंकवादी बनते हैं। कोई भी आतंकवादी अपने माँ के पेट से या गर्भ से आतंकवादी पैदा नहीं होता, परिस्थितियाँ उसको आतंकवादी बनाती हैं, माहौल उनको आतंकवादी बनाता है। सम हाउ, कैसे भी, दे हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ओवर माइंड बिकॉज ऑफ अनफेयर एक्टिविटीज विद देम बाई अदर्स। देखिए बहुत अच्छी बात है, सम हाउ कैसे भी, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, सम हाउ कैसे भी, दे हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ओवर माइंड, वे क्या कर देते हैं, वे अपने माइंड से कंट्रोल को खो देते हैं, बिकॉज ऑफ के कारण, अनफेयर मीन्स गलत, अच्छा न होना, एक्टिविटीज, कोई भी गलत एक्टिविटीज विद देम उनके साथ होती है, वाई अदर्स मीन्स दूसरों के द्वारा, जब दूसरों के द्वारा उनके साथ कोई भी गलत काम किया जाता है, उसके कारण वो क्या कर देते हैं, अपने माइंड से कंट्रोल को खो देते हैं और वो गलत काम कर बैठते हैं, ठीक है। आपने फिल्मों में देखा होगा, तो एक फिल्म थी उसमें शनि देओल, क्या होता है, एक आतंकवादी आता बनता है, मैंने देखी थी पहले, बहुत पहले की बात है। तो उसमें क्या होता है कि जब उसका सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तब क्या करता है, वो बंदूक हाथ में उठाता है और सबको एक तरफ से सबको ख़त्म करने का डिसाइड करता है। तो कुछ ना कुछ अनफेयर एक्टिविटीज उनके साथ होती है, तब वो टेररिज्म की तरफ मुड़ते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति माँ के गर्भ से आतंकवादी पैदा नहीं होता, बचपन से ही उनको या तो आतंकवाद की
ट्रेनिंग दी जाती है या तो फिर उसको गलत उसके साथ गलत होता है परिस्थितियाँ उसको आतंकवादी बनाती हैं। दे आर अनेबल टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स नॉर्मली, और क्या होती हैं, दे आर अनेबल टू फुलफिल, वे क्या करते हैं, असमर्थ हो जाते हैं फुलफिल मीन्स पूरा करने में देयर डिज़ायर्स अपनी इच्छा को नॉर्मली, सामान्य रूप से वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो स्लोली दे आर टेकन अंडर द कॉन्फिडेंस ऑफ सम बैड पीपल, तो धीरे धीरे दे आर टेकन अंडर, ठीक है, उन्हें ले लिया जाता है कॉन्फिडेंस ऑफ बैड पीपल, बुरे लोगों के कॉन्फिडेंस में उन्हें धीरे धीरे करके ले लिया जाता हुआ, आपको ये चीज़ें फिल्मों में उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या कर लिया जाता है, दे आर टेकन अंडर कॉन्फिडेंस, विश्वास में ले लिया जाता है ऑफ सम बैड पीपल, कुछ बुरे लोगों के द्वारा, हु जो प्रॉमिस वादा करते हैं देम मीन्स उनसे टू फुलफिल देयर डिज़ायर, और उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, करने का वो वादा उनसे करते हैं। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, क्या देखा होगा कि तुम ऐसा करो, आपकी आपको इतने, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा किसी भी हीरो को या किसी भी व्यक्ति को पैसों की सख्त ज़रूरत है, ठीक है, और उसके पास इतने नहीं है तो वो गलत काम भी करने के लिए तैयार होता है, जैसे उसकी माँ बीमार है और माँ को ऐसी बीमारी है उसके लिए बहुत सारे उसे रुपयों की ज़रूरत है, तो क्या है कि उसे फिर क्या करते हैं, जो खलनायक होता है जो भी होता है वो क्या करता है, उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के बैड लोग जो होते हैं और उनको क्या करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रॉमिस करते हैं और उन्हें गलत राह पर मोड़ देते हैं, ठीक है, आगे चलेंगे। नीड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के समाधान की आवश्यकता, नीड मीन्स आवश्यकता, सॉल्यूशन मीन्स समाधान, ऑफ टेररिज्म आतंकवाद के समाधान की आवश्यकता, वी ऑल शुड प्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म एट इंटरनेशनल लेवल, वी ऑल हम सबको शुड मीन्स चाहिए, प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करना, सॉल्यूशन मीन्स समाधान, ऑफ प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, ठीक है, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, ऑफ टेररिज्म मीन्स आतंकवाद की, एट इंटरनेशनल लेवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें आतंकवाद की समस्या के समाधान को प्रस्तुत करना चाहिए, वी शुड एम टू फाइटिंग इट फ्रॉम द रूट, वी शुड एम टू फाइटिंग, हमें उद्देश्य बनाना चाहिए, फाइटिंग मीन्स लड़ने का, इट मीन्स इससे फ्रॉम द रूट, जड़ से उखाड़ने के लिए, मतलब इसको उसके विरुद्ध लड़ने के लिए, इसकी मतलब जो हम रूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बेस, किसी यह जड़ों से मतलब है बेस, तो वी शुड एम टू फाइटिंग, हमें क्या करना चाहिए, फाइट करने का जो उद्देश्य है एम बनाना चाहिए, इट मीन्स इससे फ्रॉम द रूट, जड़ से, वी शुड फॉर्म, वी शुड हमें चाहिए फॉर्म मीन्स बनानी, द स्ट्रॉन्ग पॉलिसी एक मजबूत नीति, टू डिस्ट्रॉय मीन्स समाप्त करने को, इट मीन्स इसको बाई रूट मीन्स जड़ से, हमें इसे जड़ से डिस्ट्रॉय करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नीति फॉर्म करनी चाहिए, बनानी चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। हाँ देखेंगे लास्ट है कंक्लूजन, इन दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट, इन दिस वे इस प्रकार वी कैन कंक्लूड, हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट के इट इज असेंशियल फॉर गवर्नमेंट, इट इज असेंशियल ये जरूरी है फॉर गवर्नमेंट सरकार के लिए टू अंडरस्टैंड समझना द रूट मीन्स जड़ों को कॉजेज कारण ऑफ द यूथ्स जवानों को टर्निंग मीन्स मुड़ने का टेररिस्ट एंड और जो इन दिस वे इस प्रकार हम कंक्लूड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के लिए जरूरी है क्या करना अंडरस्टैंड करना क्या अंडरस्टैंड करना द रूट कॉजेज ऑफ यूथ्स जवानों को टेररिस्ट बनने टर्निंग का मतलब है बनने या मुड़ने कहाँ किधर मुड़ने
टेररिस्ट आतंकवाद की तरफ मुड़ने के मुख्य कारणों को अंडरस्टैंड करने की क्या है ज़रूरत है एंड टेक स्टेप और स्टेप लेने की ज़रूरत है टू ब्रिंग देम बैक उन्हें वापस लाने के लिए टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री और देश की जो मेन स्ट्रीम होती है सही धारा होती है एक सही सिटीजन होना चाहिए उस तरफ लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस तरह से हम अपने देश से आतंकवाद को ख़त्म कर सकते हैं। इस प्रकार आप किसी भी क्लास में हैं और टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।